यू बॉय बिल्ला मैन इज हियर विथ अनदर सस्ता व्लॉग जो भी बहुत ही बोरिंग होने वाला है, पर ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोच के आया था बिहार कि थोड़ा सा अपना डेली लाइफ को छोड़ के थोड़ा सा मस्ती वस्ती करेंगे, आके यहाँ पे थोड़ा सा नेचर का फील लेंगे। पर मुझे यहाँ पे आके दिखता है क्या कि भाई साहब यहाँ का हालत ऐसा कुछ हो रखा है, देख रहे हो, इतना कड़ाके का ठंड पड़ रहा है भाई, मुंह से धुएं निकल जा रहा है। यहाँ का हालत देखो, सिर्फ देखो, देख रहे हो, हाथ जम चुका है हमारा, हिल नहीं रहा, देख रहे हो, हाँ हिल रहा है थोड़ा बहुत, बट यहाँ का मौसम देखो, यहाँ पे जहाँ तक तुम दूर दूर तक देख सकते हो, हालांकि दूर नहीं देख सकते हो। यहाँ की ब्यूटी हम तुम्हें थोड़ी देर में दिखाते हैं, फिलहाल तो 9 बज रहे हैं और थोड़ा सा सिनेमैटिक्स लुक कर दिए जाए यहाँ पे 360 व्यू। ये मेरा टैंकर, चलो टैंकर के ऊपर एक छोटा सा अपडेट और। यहाँ पे है हमारे अमरूद के पेड़ जो कि एकदम अमरूद नहीं हुए हैं इस पे अभी फिलहाल। तो यार हम ऊपर तो आ गए हैं पर डर लग रहा है मेरे को, क्योंकि बिना सीढ़ी के आ गए यहाँ से चढ़ के, अब डर लग रहा है मेरे को, बहुत खतरनाक वाला हाइट देख रहे हो। और फिलहाल मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा, इसीलिए मैंने फिर से कैमरा ऑन कर लिया। ये पेड़ नहीं, यहाँ पे ऐसा धूप उगा है देखो। यार यहाँ का कोहरा हटने का नाम ही नहीं लेता, पर क्या कर सकते हैं, व्लॉगिंग तो करना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ से एक स्नैप लेंगे नीचे, उसके बाद वहीं से व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। ये है, वी आर हियर, नीचे हम लोग आ चुके हैं, अब चलो अपने सफर पे। छोटा सरसों देखो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे बाड़े लगे हैं जो हम लोग भाड़े पे लगाए हैं। गोभी देख रहे हो, गोभी हुए, आओ चेक करते हैं, को भी बच्चे हैं यार, अभी हुए ही नहीं है। ये देखो सरसों एक, बट यहाँ पे आलू का पेड़, वाह। ये मटर का पेड़ देखे हो कभी? यहाँ पे देखो क्या मस्त हो रखा है। आगे बढ़ो, क्या यहाँ पे देखो सरसों स्टाइल, यहाँ का स्लोमो ले क्या? स्लोमो टाइम खत्म हो चुका है और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखो स्केयर क्रो, इसे शायद वही, और सरसों के खेत, और सरसों के खेत, आगे में दौड़ के जाते हैं और दिखाएंगे सरसों के खेत, और सरसों के खेत, और आगे जाएंगे। ठंडा लग रहा है, और सरसों के खेत, और सरसों के खेत, स्टॉप इट। आ चुके हैं हम लोग जंगल इलाके में, छोटका जंगल इलाके में, पर मज़ा आता है यहाँ पे आके, उतना कुछ डेंजरस नहीं है, मतलब शेर भालू नहीं रहता इसमें। अब कहाँ तुम बिहार में शेर भालू खोजोगे। यहाँ पे हम पहले बचपन में ट्रेनिंग करते थे बैम्बूज के बीच में, पर वो बोले बैम्बूज उधर है वहाँ पे। यहाँ पे देखो ये मेरा फेवरेट पेड़ हुआ करता था बचपन का, जो कितना कत कत कता कत कत हो चुका है। क्या मैं बात करूं तुम लोग से, मेरे को कुछ नहीं पता, पर यहाँ के ये पेड़ के पत्ते बहुत ज़्यादा ही गिरे हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्ते हैं, ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। आओ तुम्हें बम्बू दिखाते, ये रहा बैम्बू, ये बैम्बू के लिए लाइक मारो 5-10, बैम्बू बैम्बू, और भी बैम्बू, इधर भी बैम्बूस, इधर भी बैम्बूस। व्लॉगिंग करते करते मेरे को नीचे भी ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लिटरली सांप की बातें कर रहा हूँ मैं, सांप बिच्छुओं की, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो हो, और बड़े जानवर की तो नहीं है। हाँ वो बात अलग है, कुछ और मिल जाए तो मैं नहीं दिखा सकता तुम लोग को क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। यहाँ की मेरे को एक बात बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, यहाँ पे एकदम तुम्हें शोर शराबा नहीं मिलेगा, शांत रहो तो देखो क्या होगा।
यहाँ पर कोई भी नॉइज कैंसिलेशन मैंने नहीं लगा के रखा, पर फिर भी यहाँ पर इतना सन्नाटा है क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन कम है और यहाँ पे जंगल और ऐसे खेत बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे दूर दूर तक तुम देखो यहाँ पे खेती खेत है। और तालाब दिखाता हूँ मैं तुम्हें, बढ़िया वाला छुटका तालाब, इसमें हम बचपन में मछलियाँ पकड़ते थे। हम लोग इसे बजरही बोलते हैं। ओ बजरही का मस्त नाम है, मेरा ऐसा नाम। देखो यहाँ पे फिशिंग के लिए रखा गया एक लकड़ी। कौन फिशिंग कर रहा है मेरे को नहीं पता। हम इधर जा सकते हैं पर क्या जाने का फायदा होगा। एक स्नैप लेते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे वो पेड़ के पास। चलो चलते हैं। ओ आ गए हम। ये इट्स अ वेरी गुड कट अगर हो गया होगा तो। इस पर मैं चढ़ा था एक बार और मेरे हाथ छिल गए थे इसके ऊपर चढ़ने के बाद। मोटा पेड़ आम का है देखो, और इसे महुआ का पेड़ बोलते हैं। महुआ किसी को पता हो तो बढ़िया है, वरना मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा। कैसा दिखता है महुआ? ओके और ये लकड़ी इसका गिरा हुआ है। मैंने इसका एक बार पेड़ मतलब एक डाल तोड़ दिया था, आई थिंक यहाँ का था। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो मैंने जैसा कहा था मैं उस टाइम वहाँ पे था, वहाँ पे वहाँ से एक रास्ता है, वहाँ से मैं आया था और मैंने वहाँ से दिखाया था कि इस तरफ खेती खेत है। यहाँ से देखो लंबा सा यहाँ पे अभी भी खेत बढ़े जा रहा है, ठीक है। यहाँ इस उस पार में एक रोड है, मेन रोड, वहाँ पे जाके कुछ मतलब दुकानें वुकानें हैं, बट वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, मेरे को कोई मन नहीं है वहाँ पे जाने का। गैयों को हेलो बोलो सब। हेलो, इसको मैं नहीं जानता पर ये फ्रेंडली लग रहा था मेरे को। ठंड लग रहा है तेरे को? ठंड लग रहा है? ठंड लग रहा है तेरे को? हाँ ते काहे रहा काहे का बैठ रहे। आ रहा हूँ मैं। वही गैयों को भी हेलो बोलो। हेलो हेलो छुटकी। वही क्या चाहिए तेरे को? बिस्किट खाना है? बिस्किट तो नहीं है मेरे पास। पालतू कुत्ता लग रहा है मेरे को यहाँ पे रह रहा है भाई। हुई हुई माता, तू मेरा कुत्ता नहीं है पर तू ऐसा क्यों है? गिर गया रे। ओए ओए वो ये रोड है, हम लोग रोड पे आ चुके हैं। और ये देखो घर के सामने ऐसे पेड़ उगाना लीगल है यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे लीगल है, पर उगाता कौन है, बट बढ़िया लग रहा है ये देख रहा। तो अभी बज रहा है दोपहर के 1:30 और फाइनली धूप उग चुका है। मैंने एक चीज ध्यान ही नहीं दिया जो कि है ये बहुत ही मस्त मस्त फूल, नीले नीले और सफेद भी हैं। तो हेलो, अभी बज रहा है दोपहर के 2:30 के आसपास और मैं झूला झूल रहा हूँ। ये देखो अभी शाम के 4:30 बज रहा है और ये देखो मैं कहाँ पे आया हुआ। मेरी आवाज़ ऐसे क्यों है भाई? पर ये लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, दे देखो बताओ सनसेट में ये कैसा लगेगा, होने वाला है कुछ देर में। ये देखो वीट फार्म। आ मेरा जैकेट गिरा रे। ये देखो कौन से जानवर, ये कौन सा जानवर है भाई? ओमाए वा मू शिंदेइरु। अरे नानी रुक जा, रुक रुक रुक। खेला खेली ऑन द वे गाइस, सब बैट्समैन बॉलर ये मारा सिक्सर, नाइस। तो जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था वहीं पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। कुछ मिनट में रात होने वाली है, बहुत ही शानदार। अभी कुहासा नहीं है और अभी का मौसम तुम लोग देख सकते हो, सेम प्लेस बट विदाउट कुहासा। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो, बाय बाय एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।